नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज स्पाइस एमओए आईएनसी 33 आप लोगों को भरना दिखा रहा हूँ। बहुत आसान है। मैंने पहले सोचा कि मैं किसी दूसरे क्लाइंट का फॉर्म भरते हुए आपको बता दूं, लेकिन मैं बताऊं, किसी का इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं हम, जबरदस्त तरीके से आज ही आसानी से समझते हैं। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट में जाना पड़ेगा। साइट में जाकर फॉर्म डाउनलोड करने पड़ेंगे, जिसमें आप ये देखिए इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज लिखी हुई है। ये इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज में जाके आप यहाँ पर देखिए स्पाइस एमओए लिखा हुआ है, और स्पाइस एमओए विथ ये ई फॉर्म विथ इंस्ट्रक्शन किट लिखा हुआ है। तो आप ये स्पाइस एमओए विथ इंस्ट्रक्शन किट वाले को क्लिक करिएगा तो एक फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में उसमें दो फाइल रहेंगे, एक एमओए का फॉर्म रहेगा, ई स्पाइस का ई एमओए का फॉर्म रहेगा, और दूसरा उसका इंस्ट्रक्शन किट रहेगा। ये दोनों चीजें इसमें रहेगी। और सिर्फ ई फॉर्म चाहिए तो ये ई फॉर्म के लिए, केवल ई फॉर्म के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों ही डाउनलोड कर लिया है। आपको दोनों चीजों को बहुत आसानी से एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया होगा कि नेम अप्रूवल के लिए INC1 फाइल किया होगा। तो यहाँ पर INC1 का मतलब जो रन फॉर्म होता है, रिजर्व यूनिक नेम। मैंने जस्ट इससे पहले ये वाली वीडियो बनाई है रन फॉर्म वाला। तो आपने जो रन फॉर्म में फाइलिंग किया और आपने नेम अप्रूवल किया, उसका SRN यहाँ पे, SRN का मतलब क्या होता है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। तो SRN नंबर यहाँ पे फाइल करेंगे, ये प्रीफिल बटन दबा देंगे। जैसे ही आप ये प्रीफिल बटन दबाएंगे तो उसके बाद हम लोग को ये फिलअप करना पड़ेगा कि टेबल एप्लीकेबल टू कंपनी एज नोटिफाइड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैं आपको इसका इंस्ट्रक्शन भी शो कर देता हूँ। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, सिलेक्ट द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड टेबल एज नोटिफाइड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो जैसे ही हम लोग इस पे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ऑप्शन क्या आता है, ABCDE। तो नॉर्मली हम लोग ए वाले कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ए वाला कैटेगरी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर है। BCDE ये सारे कौन से है, जो लिमिटेड बाय गारंटी है, या फिर अनलिमिटेड है, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी प्लस शेयर्स है, मतलब मिक्सअप है। तो हमारा नॉर्मली शेड्यूल ए आता है। अब देखिए टेबल ए का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड बाय शेयर्स अगर हमने रखा है, तो हमारा टेबल ए हमने लिया, सपोज करते हैं हम लोग ने टेबल ए सिलेक्शन कर लिया था, राइट। तो ए सिलेक्शन अगर हम लोग करेंगे तो ए के अकॉर्डिंगली ये सारे फील्ड हमारे ब्लू हो जाएंगे टेबल ए वाले। तो इसमें नेम ऑफ द कंपनी क्या है, वो जो कंपनी का नाम हमने फिलअप किया था जो रन में अप्रूव हुआ है। रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में है, तो हमको ये स्टेट वाले बटन में क्लिक करना है। आपका जो भी स्टेट आता है आप उस स्टेट में क्लिक करिए और यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल दिया छत्तीसगढ़। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग जो मेन ऑब्जेक्ट है वो मेन ऑब्जेक्ट हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो जो चीजें हो सकती है वो सब मेन ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल लैंड प्रोक्यूरमेंट करना, मतलब लैंड खरीदना, लैंड का एग्रीमेंट करना, किसी दूसरे के लैंड पे ज्वाइंट वेंचर करना, लैंड डेवलपमेंट करना, वहां पर फैसिलिटीज डेवलप करना, वहां पे प्लॉट सेल करना, और वहां पे कंस्ट्रक्शन करना, कॉलोनाइजर लाइसेंस लेना, रेरा और जितने भी चीजें एप्लीकेबल है वो सारे को कंप्लाई करना, और उसके अकॉर्डिंगली अपने पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना और उसमें मार्केटिंग करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो सकता है अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन वाले या प्रोमोटर डेवलपर हैं तो। दूसरा, मैटर्स विच आर इंसिडेंटल विच आर नेसेसरी फॉर फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3A। इसका मतलब ये जो 3A है उससे रिलेटेड जो मैटर्स रहेंगे उसको हम लोग को यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, जो मेन ऑब्जेक्ट से अलग है लेकिन मेन ऑब्जेक्ट के लिए ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी हूँ, हमारा कंपनी कंस्ट्रक्शन वाला है, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो सकता है, उसका काम भी हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हम लोग को किसी और को परचेज नहीं करना पड़ेगा, किसी और से परचेज नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बाथरूम फिटिंग्स से लेकर जो जो चीजें कंस्ट्रक्शन में लगती है, मेन कंस्ट्रक्शन के अलावा घर कंप्लीट करने तक के, वो सारे चीजों से रिलेटेड भी डीलरशिप या उसका ट्रेड भी हमने इसलिए चालू किया ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन वाला काम बहुत अच्छे से हो। तो वो यहाँ पे मैटर्स विच आर नेसेसरी फॉर फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3A यहाँ पर आने वाला है, राइट। चौथा पॉइंट है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड एंड दिस लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। इसका मतलब ये है कि जितना का शेयर्स जितने के पास है, इसका मतलब किसी के पास अगर 100 शेयर है 10 रुपए वाले, इसका मतलब 1,000 रुपए की लाइबिलिटी उनकी बनती है कंपनी को देने की। और अगर वो 1,000 रुपए से कम पैसे अपने शेयर के अगेंस्ट में उन्होंने दिया, फॉर एग्जाम्पल 900 रुपीज उन्होंने
पेमेंट कर दिए कंपनी को शेयर के अगेंस्ट में, तो वो जो बाकी 100 रुपीज है सिर्फ वही उनकी बैलेंस लाइबिलिटी होती है। इसका मतलब आपने जो अंश पूंजी ली है, वो अंश पूंजी का जो रकम बनता है उसमें जो डिफरेंस अमाउंट है केवल उतना ही आपकी लाइबिलिटी है जो आपने नहीं पटाया होगा। देखिए यहाँ पे द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए ही हमारा टोटल अमाउंट है, और हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा 1 लाख रुपए हमारा शेयर कैपिटल है, राइट। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर है कि कौन सा शेयर है बताना पड़ेगा। सपोज करते हैं इक्विटी शेयर है, और कितने इक्विटी शेयर है ये मैंने डाल दिया 10,000 इक्विटी शेयर है। कितने रुपए वाले हैं, तो शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हमने 10 रुपए वाले शेयर यहाँ पे डाल दिए। तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 शेयर 10 रुपए वाले, टोटल 1 लाख रुपए टैली हो रहा है, एकदम सही है। अब देखिए सिक्स्थ वाला पॉइंट, वी द सेवरल पर्संस हुज नेम्स एंड एड्रेस आर सब्सक्राइब्ड एंड डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्मड इनटू कंपनी इन परसुएंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड वी रेस्पेक्टिवली एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी सेट अगेंस्ट आवर रेस्पेक्टिव नेम्स। इसका मतलब जितने भी प्रोमोटर्स हैं वो सारे प्रोमोटर्स तैयार हैं, जितना शेयर नीचे लिखा हुआ है उनके एक एक जन के नाम के आगे, तो उतना शेयर वो लेने के लिए तैयार है। अच्छा नेम ऑफ द कंपनी मैंडेटरी बोल रहा है, तो फिलहाल मैं नीचे ही आ जाता हूँ क्योंकि हम लोग नाम अभी फिलहाल भर नहीं रहे किसी का, तो हम लोग को यहाँ क्लिक करना पड़ेगा कि भाई हम तैयार है। दूसरा वाला पॉइंट ये है कि आई हुज नेम एंड एड्रेस इज गिवेन बिलो एम डिजायरस ऑफ फॉर्मिंग ए कंपनी इन परसुएंस ऑफ दिस मेमोरेंडम। इसका मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक कंपनी बना लें। अब देखिए इसमें जो जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे वो सब्सक्राइबर्स का नेम एड्रेस डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन आएगा, उनका डिन पैन पासपोर्ट नंबर आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना लिया वो आ जाएंगे, और डिजिटल सिग्नेचर सबका लगेगा। वो डिजिटल सिग्नेचर क्लिक करेंगे तो सब जिसका डिजिटल सिग्नेचर हम लोग को लगाना है वो डिजिटल सिग्नेचर हमारे सिस्टम पे रहना चाहिए, हम लोग क्लिक करेंगे और उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, डेट यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं इसका मतलब सबसे शुरुआती शेयर होल्डर्स, उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आएगा, उनका डिन पैन या पासपोर्ट नंबर यहाँ पर आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी है। तो इसका मतलब ये कि हमारे सारे सब्सक्राइबर्स मिलकर टोटल शेयर्स कितना लिया उन्होंने ये भी यहाँ पर आएगा। जैसे 10,000 शेयर्स हमारे टोटल हैं तो सब मिलाकर 10,000 शेयर यहाँ पे आएंगे। अच्छा साइन किसने किया, इन सारे लोगों की तरफ से सिग्नेचर किसने किया वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे जो साइन कर रहे हैं सारे लोगों की तरफ से इस फॉर्म को, वो नाम आएगा, उनका एड्रेस और ऑक्यूपेशन आएगा, डिन पैन पासपोर्ट नंबर आएगा, डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर आएगा, ये डेट आ जाएगा। फाइनली चेक फॉर्म करना होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि फॉर्म भरना बहुत आसान है, और इसके बाद वाली वीडियो में मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे फाइल करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन शुभ हो।